Hello everyone and welcome all once again to my channel Elevate Academy Castanj and Eclipse PCS online platforms. आज मैं आपके साथ एक छोटा सा मतलब छोटी सी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ. मे बी बहुत सारे लोगों को ये इंस्पिरेशन लगेगी और एक मोटिवेशनल स्टोरी लगेगी, क्योंकि देखिए तैयारी हम करते हैं, पढ़ते रहते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि हमें बीच बीच में एक एनर्जाइज डोज की ज़रूरत होती है. तो देखिए स्पेशल ऐसा कोई टारगेटेड और ये सोच के मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ. सडन मैं अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही थी तो मुझे कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट हाथ लगा कि मुझे लगा कि ये स्टोरी आपके साथ शेयर करनी चाहिए. इवन मैं भी शायद ये वाली चीज़ जो इस डॉक्यूमेंट को देख के मुझे याद आया मैं भूल चुकी थी. मैंने जब उसको देखा तो मुझे थोड़ा सा अपना जो टाइम था जब मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी वो वाला टाइम याद आया और उसके बाद मुझे लगा मैं आपसे शेयर करती हूँ. तो देखिए चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टोरी शेयर करती हूँ. देखिए मेरे हाथ में एक पेपर है, ये है मेरे IBPS RRB जो 2014 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया था उसका स्कोर कार्ड. देखिए उस टाइम जो प्रोसेस था उस अभी तो ग्रुप सी की जो वैकेंसी थी उसमें इंटरव्यू खत्म हो चुका है. उस टाइम इंटरव्यू भी था, अब जैसे प्री मेंस होता है डायरेक्ट, उसमें प्री मेंस नहीं था, बस एक पेपर था और उसके बाद इंटरव्यू था. तो क्या प्रोसीजर है क्या नहीं है इसके बारे में हम इस वाले वीडियो में चर्चा नहीं करने वाले हैं. इसमें बस एक इंस्पिरेशन सी जो स्टोरी है वो मैं इस वाले जो एक पेपर है मेरे हाथ में उसके लिए शेयर करना चाहूँगी. देखिए सबसे पहली चीज़ ये स्पेशल उन लोगों के लिए है जो लोग हमेशा एक फियर में रहते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की. जब भी तैयारी स्टार्ट करते हैं आर्ट साइड से, कॉमर्स साइड से और बायो से होने वाले स्टूडेंट्स की, अगर हमारे पास मैथ नहीं है और मैथ हर सब्जेक्ट में आता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, जिनके पास मैथ्स है वो तो बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे आउट ऑफ फुल में से फुल मार्क्स या 40 में से 35, 36, 38 ऐसे मार्क्स कर लेंगे और हम किसी भी हालत में इतने मार्क्स गेन नहीं कर पाएंगे. और इसी सोच के साथ वो इतना ज़्यादा फियर को अपने ऊपर ओवरकम मतलब हावी टाइप कर लेते हैं कि वो कभी नहीं सोच पाते कि आप भी उतना ही स्कोर कर सकते हैं जितने मैथ्स वाले स्टूडेंट कर सकते हैं. क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का मैथ और एकेडमिक वाले मैथ में सबसे पहले समझिए फ़र्क होता है. दूसरी बात आपका जुनून और जज्बा और आपकी जो पॉजिटिविटी होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है. देखिए 2014 में जब मैंने MSc कंप्लीट किया देन आई डिसाइडेड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स. ओके तो तब मैंने जब तैयारी का सोचा मैंने तैयारी स्टार्ट की 14 में ही. देखिए ये आप शायद देख सकते हैं 14 सेशन के लिए अगर आपको शायद नज़र आ रहा होगा यहाँ से थोड़ा सा फोकस की कमी है यहाँ पे. ये 14 का है ठीक है ना, मुझे नहीं पता आपको दिखाई दे रहा है या नहीं. ये मैंने 14 में एग्जाम किया था और देखिए मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही. आपको बस एक सबसे बड़ी चीज़ दिखानी है जो अभी मैं इसको दिखाऊंगी. मैं बायो ग्रुप की स्टूडेंट हूँ थ्रू आउट माई 11th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन. ओवरऑल मैंने बायो ग्रुप से बायोटेक से अपनी जो एजुकेशन है वो पूरी की हुई है और उसके बाद देन आई डिसाइडेड टू प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स. तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा टास्क था, एक फियर था स्टार्टिंग में कि मैं मैथ्स की स्टूडेंट नहीं हूँ और मेरा मैथ्स तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ही वीक था क्योंकि उसके पीछे की भी कुछ स्टोरी है वो मैं अभी नहीं शेयर करूँगी. तो मतलब मेरा मैथ्स बिल्कुल जीरो था. जीरो इन द सेंस हो सकता है आप जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी स्टार्ट करें तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि मतलब मैथ्स का थोड़े बहुत सवाल निकालने आते होंगे. मुझे तो शायद क्यूब रूट स्क्वायर्स ये भी नहीं पता थे जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की. कुछ लोगों ने बोला भी कि मैं अपना करियर जो है वो एक तरीके से ख़राब कर लूँगी ना, मैं बायो ग्रुप में जा रही हूँ आगे और अगर मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयार कर रही हूँ तो मैं मैथ्स को प्रिपेयर नहीं कर पाऊँगी. तो देखिए ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स ही बोलूंगी उन लोगों को जो आपका आपको मोटिवेट तो कर नहीं सकते लेकिन आपके अंदर एक फियर और बिठाते हैं एग्जाम्स की तैयारी से पहले. तो ऐसे लोगों को हमेशा साइड रखिए, अपने दिल की पूछिए आप करना क्या चाहते हैं और क्या आप में पोटेंशियल है कि अगर आपको नहीं भी आता तो आप उसको प्रिपेयर कर पाएंगे या नहीं. ठीक है तो देखिए 2014 में ही मैंने IBPS RRB का एग्जाम क्रैक किया था. बहुत कम लोग जानते हैं, सबको लगता है मैं पढ़ा रही हूँ बस और मैंने शायद अभी कोई एग्जाम या कुछ दिया नहीं कभी, जो भी हो सकता है आई डोंट नो. बट देखिए बैक टू बैक मैंने IBPS जो नेशनलाइज बैंक का होता है और IBPS RRB दोनों ही एग्जाम 2014 में क्लियर किए थे. आज इसका दिखा रही हूँ RRB का. कभी ऐसे ही कोई स्टोरी बताने का मन करेगा तो मैं IBPS आपको उसका भी नेशनलाइज बैंक वाले का भी दिखाऊंगी. जो ये मेरे पास सर्टिफिकेट रखा हुआ है पता नहीं शायद कहाँ रखा, आज ये मिल गया किसी दिन वो भी मिलेगा ठीक है ना. तो देखिए सबसे पहली चीज़ मैंने जब मैथ्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की और सितंबर में ही, देखिए मार्च अप्रैल से लगभग मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है और सितंबर में ये एग्जाम था. अब इस स्कोर कार्ड में बस मैं आपको एक ही मेन चीज़ दिखाना चाहूँगी, क्वांट न्यूमेरिकल एबिलिटी. देखिए 40 मार्क्स थे न्यूमेरिकल एबिलिटी में. यहाँ से आप देखिए
अगर आपको यहाँ दिख पाए न्यूमेरिकल एबिलिटी, फोकस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मैं सेट नहीं कर पा रही हूँ, आई डोंट नो क्या हो रहा है। चलिए मैं इसको ऊपर से ही दिखा दूंगी आपको एडिट करके, ठीक है ना। 40 में से आउट ऑफ 39 मार्क्स ये मैंने गेन किए थे विद इन, आप अप्रैल में अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो मई जून जुलाई अगस्त, आपको 4 महीने मिलते हैं, जिसमें 4 महीने पहले आपके मैथ्स में आपको शायद स्क्वायर रूट्स और क्यूब्स ये निकालना भी नहीं आते थे, और आपने सेप्टेम्बर में जो एग्जाम दिया उसमें 40। देखिए इसमें 5 सब्जेक्ट आए थे, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज। सभी में से सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो मेरे मार्क्स है वो मैथमेटिक्स में है, ये बात शायद मैं भूल चुकी थी। आज जब भी डॉक्यूमेंट दोबारा से मेरे हाथ लगा तब मुझे ये सडन ऐसा देखने मिला, और मुझे बहुत मोटिवेशन सा मिला कि मुझे ये स्टोरी आपके साथ शेयर करनी चाहिए कि आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, बस आपके अंदर एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि अगर आप किसी चीज़ को स्टार्ट कर गए हैं या आप करना चाहते हैं तो आप कर लेंगे, और यकीन मानिए कि आप कोई भी काम कर लेंगे। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी आएगा कि अगर मैंने एग्जाम क्रैक किया तो फिर मैं गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं कर रही हूँ। ये मेरे पर्सनल अपने व्यूज हैं कि मैं क्या क्यों नहीं कर रही हूँ और मैं क्या करना चाहती हूँ या क्या नहीं करना चाहती। फिलहाल में मुझे टीचिंग में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो आई विल गो विद दैट। मैं इसी के साथ बिल्कुल पर्टिकुलर हमेशा सेम करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ाने में, और पढ़ाना सिर्फ मेरा एक प्रोफेशन नहीं है, मेरा शौक है, मेरा पैशन बन चुका है, तो मैं उसे फॉलो करती हूँ। और बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल रहते हैं कि मैं जब पढ़ाती हूँ और इंटेलिजेंट हूँ, ऐसे लोगों को लगता है कि जब मैं पढ़ाती हूँ तो वो पूछते हैं कि वाई आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। तो मैं बोल देती हूँ कि टाइम तो ना निकला है, कभी करनी होगी तो कर लेंगे, अभी जिसमें मजा आ रहा है वो करने दीजिए, है ना। तो ये कुछ अलग पार्ट्स हो गए कि मैं क्या क्यों नहीं कर रही हूँ, लेकिन सबसे पहली चीज ये है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप वो 100% अपना दोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। और ये मैं साइड से इसकी कटिंग जरूर लगा दूंगी अभी एडिटिंग में, तो आपको दिखाई देगा कि 40 में से आउट ऑफ 39 मार्क्स एक ऐसे इंसान के लिए विद इन 4 मंथ्स, जिसको मैथ्स का शायद ए भी स्टार्टिंग से नहीं आता था एग्जाम की प्रिपरेशन, और बहुत सारे लोगों ने निगेटिव किया कि मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा मैथ्स, जानते थे मेरे फ्रेंड्स, मेरे आसपास के लोग, की बहुत ज्यादा, मतलब आपका तो वीक होगा, मेरा अंडरग्राउंड था, शायद उसको भी ना अंडरग्राउंड से निकालने में टाइम लगा। बट यही एक स्टोरी है कि आप कोई भी फियर अपने दिमाग में ना रखिए, डिमोटिवेशन कभी अपने साथ ना आने दीजिए। अगर आपने सोच लिया, और देखिए ऐसा नहीं कि आज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप सोचो इस साल नहीं, 2 साल, 4 साल, 6 साल मन भर जाता है प्रिपरेशन से, आप प्रिपरेशन इस हिसाब से करिए कि अगर मैंने स्टार्टिंग की है तो इसी साल मुझे डू एंड डाई फाइनलाइज करना है जो भी करना है, ठीक है ना। किसी दिन मैं IBPS का स्कोर कार्ड भी आपके साथ शेयर करूंगी, और देखिए इसका मेरे पास कॉलिंग लेटर भी रखा हुआ है, वो भी किसी दिन मिलेगा, तो उसके ऊपर भी आपको कोई स्टोरी बताऊंगी कि मैं ज्वाइनिंग के लिए क्यों नहीं गई और ऐसा क्या हुआ था कि सडन मैंने अपने प्लान जो है वो चेंज कर दिए। वो आगे की स्टोरीज है, धीरे 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 अब हम मिलते रहेंगे क्योंकि हम अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलने लगे हैं, आने लगे हैं, तो धीरे 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 चर्चा होती रहेगी। फिलहाल आज का जो विषय था वो ये था, डोंट गेट फियर, डोंट गेट मोटिवेटेड, हमेशा अपने आप को स्ट्रांग रखिए, पॉजिटिव रखिए, और आप सब कुछ कर सकते हैं, हमेशा ये ध्यान रखिए, बस आप ये मान लीजिए कि आप ये कर सकते हैं, ठीक है। किसी के बहकावे में ना आइए कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। इवन जो लोग बोल रहे हैं बिल्कुल शांत होकर उन्हें अपना रिजल्ट दिखाइए, ताकि वो भी गलत साबित हो सके कि आपने कर दिखाया, ठीक है। तो ये स्टोरी आई थिंक इंस्पायरिंग लगी होगी बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो फियर में है, और IBPS RRB बहुत जल्द, देखिए 10,000 वैकेंसी हर साल के कैलेंडर की तरह इस साल भी जून में उसके फॉर्म्स आ जाएंगे, और वही सितंबर, अगस्त सितंबर से उसके जो एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो किसी स्टूडेंट को गाइडेंस चाहिए IBPS RRB अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो वो मेरे लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मुझे पहले मैसेज कर सकते हैं कि आई वॉन्ट टू नो रिगार्डिंग अबाउट RRB IBPS प्रिपरेशन, तो मैं आपको डेफिनेटली टाइम मिलने पर कॉल्स या मैसेजेस जैसे भी मैं आपको गाइड कर सकती हूँ डेफिनेटली करूंगी। और इसमें मेरा कोई सेल्फिश मोटिव या कुछ भी नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग फियरफुल रहते हैं हमेशा अपनी प्रिपरेशन को लेके, उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए, और जो भी लोग प्रिपरेशन करते हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी जो मंजिल है वो मिल पाए। तो आप लोग इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और बाकी बैंकिंग की जो क्लास है ऑनलाइन वो हम बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस सेट जो है रीजनिंग और इंग्लिश देखिए ये दो मैं गाइड कर सकती हूँ। मैथ्स में मैं नंबर कितने भी अच्छे लेके आऊँगी, लेकिन मैं सारे सब्जेक्ट की टीचर नहीं बन सकती हूँ, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई टीचर उसके लिए भी गाइड करेगा, यानी पढ़ाएगा, गाइड मैं कर दूंगी पढ़ना कैसे है,
बाकी पढ़ाने के लिए टीचिंग एक अलग हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ, और ऐसे ही हमेशा प्रिपरेशन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपने जो लाइफ है उसे डिमोटिवेशन और फियर्स को हमेशा अलग कर दीजिए। वो कुछ भी नहीं है, दे आर नथिंग। अगर आप करने पे आओगे तो यू कैन डू एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग।